नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं JK 24/7 न्यूज। मैं आपके साथ ममता तिवारी। वक्त हो चला है खबर क्या है कि इस खास बुलेटिन का। सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। दरअसल पीएम मोदी की तरफ से आज 7 कंपनियों को राष्ट्र को समर्पित किया गया है। पीएम मोदी ने आज दशहरा के अवसर पर 7 डिफेंस कंपनियों को देश को समर्पित किया है। भारत में ही अब पिस्टल से लेकर फाइटर प्लेन बनेंगे। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 नई रक्षा कंपनियों को राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने कहा कि ये शुभ संकेत है कि विजयदशमी के दिन ये कार्यक्रम हो रहा है। सशस्त्र पूजन में इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई। भारत शक्ति को ही सृजन का माध्यम मानता है। दरअसल भारत ने अपनी आजादी के 75वें वर्ष में प्रवेश किया है। जो काम दशकों से अटके थे, देश उन्हें पूरा कर रहा है। 7 नई कंपनियों की शुरुआत देश की संकल्प यात्रा का हिस्सा है। ये निर्णय पिछले 15 से 20 साल से अटका हुआ था। विजयादशमी के पावन पर्व पर राष्ट्र को सशक्त बनाने के लिए, राष्ट्र को अजेय बनाने के लिए जो लोग दिन रात खपा रहे हैं, उनके सामर्थ्य में और अधिक आधुनिकता लाने के लिए एक नई दिशा की ओर चलने का अवसर, और वो भी विजयादशमी के पावन पर्व पर, ये अपने आप में ही शुभ संकेत लेकर के आता है। इस कार्यक्रम की शुरुआत भारत की महान परंपरा चलते हुए शस्त्र पूजन से की गई है। हम शक्ति को सृजन का माध्यम मानते हैं। इसी भावना के साथ आज देश अपने सामर्थ्य को बढ़ा रहा है और आप सब देश के इन संकल्पों के सारथी भी हैं। मैं आप सभी को और पूरे देश को इस अवसर पर। और चलिए बात दिल्ली के सिंघू बॉर्डर की करते हैं, जहां आज एक युवक का शव लटका मिलने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल बड़ी जानकारी इस वक्त दे रही है आपको। सिंघू बॉर्डर पर पंजाब की युवक की हत्या से हरकत में एसकेएम किसान मोर्चा ने खुद को निहंग सिखों से किया अलग। निहंगों पर लग रहा है युवक की हत्या का आरोप। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। मृतक की पहचान लखबीर सिंह के रूप में हुई है। तो फिलहाल आपको जानकारी दे दें कि आज सुबह तड़के जब युवक का शव बैरिकेड से लटका हुआ मिला तो इलाके में हड़कंप मच गया। आनन-फानन में पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन कुछ भी समझ नहीं आ पाया। युवक का शव इस हालत में था कि उसे देखिए, आज सुबह 5 बजे थाना कुंडली में सूचना मिली थी कि किसान आंदोलन जो चल रहा है उसकी स्टेज के पास एक आदमी का हाथ पांव काट के लटकाया हुआ है। इस सूचना पे हमारे थाने से जो एसआई संदीप है, जिसकी एसडीओ ड्यूटी थी, वो अपने मुलाजमों के साथ मौके पे गया। उसने वहां जाके देखा कि एक आदमी का हाथ पांव काट रखा है, शरीर पे केवल अंडरवियर पहना हुआ था और बैरिकेड के साथ उसकी डेड बॉडी लटकी हुई थी। वहां पर जो लोग थे उनसे पूछताछ करने की कोशिश की, लेकिन इस चीज का कोई खुलासा नहीं हो पाया कि किसने ऐसा किया है, और अभी तक भी उस आदमी की जो है शनाख्त नहीं हो पाई है। हम उसकी कोशिश कर रहे हैं और एफआईआर। तो फिलहाल जानकारी इस वक्त बड़ी आ रही है कि सिंघू बॉर्डर पर पंजाब की युवक की हत्या के हरकत से मैं किसान संयुक्त मोर्चा आया। प्रणय शर्मा इस वक्त मेरे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। प्रणय, क्या जानकारी मिल पा रही है? पहले तो पुलिस को भी स्थल तक नहीं जाने दिया जा रहा था जहां पर इस युवक को के शव को लटकाया गया था। फिलहाल पुलिस क्या कह रही है इस पूरे मामले पर, और इस युवक की हत्या का आरोप जिन पर लग रहा है क्या वो सच है?
देखिए ममता, बिल्कुल ये दिल दहला देने वाली घटना है जो कि आज सामने आई है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है ममता कि इस मामले में जिस तरीके से जो व्यक्ति है जिसे मारा गया है वो वाकई में बेहद खौफनाक कर देने वाला मंजर है। जो कुछ तस्वीरों में सामने आया वो बहुत ही हैरान कर देने वाला था। एक और महत्वपूर्ण बात ममता जो सामने आ रही है वो ये कि आरोप ये लगाया जा रहा है कि जो मृतक व्यक्ति है उसने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी की थी, उसके बाद ये पूरी घटना हुई है। लेकिन जिस तरह से हत्या की गई है वो वाकई में दिल दहलाती थी। और हालांकि हमारी जो बात हो रही है ऑफ द कैमरा किसान नेताओं से, उनका ममता साफ तौर पर कहना है कि उन्हें परेशानियां हैं वो सामने आती है। कभी मारपीट का मामला सामने आता है, हत्या का मामला सामने आ रहा है, और अक्सर जो झड़प है वो भी देखने को मिलती है, जिससे जो पूरा आंदोलन है वो भी बदनाम हो रहा है। इस पूरे मामले को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। बीजेपी सीधा आरोप लगाने लग गई है कि आखिर ये कौन व्यक्ति है जिस तरीके से यहाँ पर बलात्कार की घटनाएं सामने आई है, अब तो हत्या की घटना सामने आ गई है, इसके अलावा आए दिन हाथापाई की घटना सामने आती है। तो ये निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी घटना है। पुलिस ने अभी जीरो FIR दर्ज कर ली है और पूछताछ में जुटी हुई है। लेकिन सुबह जब इस घटना के बारे में पता चला था तब पुलिस को वहां पर अंदर जाने नहीं दिया गया था। तो फिलहाल पुलिस सारे एविडेंस को कलेक्ट करना ये सबसे बड़ी जो चुनौती है पुलिस काम के सामने वो रहेगी। जहां तक मृतक व्यक्ति की बात है तो वो करीब 30 से 35 साल का बताया जा रहा है। उसकी 3 बेटियां हैं, वो मजदूर एक मजदूरी का काम किया करता था, पत्नी से अलग रहता है, ये जो जानकारी है वो अभी तक सामने आ रही है। चलिए प्रणय, तमाम जानकारी देने के लिए फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद। तो अब जिस तरीके से युवक की हत्या हुई है, अब सबसे बड़ा बात यह है कि आखिर ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन किस तरीके से हिंसक हो रहा है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, बात उत्तर प्रदेश की कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में इस वक्त राजनीति का माहौल चरम पर है। 2022 का विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में पार्टियां एक साथ जुड़ती हुई नजर आ रही हैं। इस वक्त जो अपडेट सामने आ रहा है वो बीजेपी को लेकर है। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दलों के बीच सहमत का खेल शुरू हो गया है। मांगें पूरी नहीं होने पर मंत्री पद छोड़े योगी सरकार से बाहर हुए सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर एक बार फिर से बीजेपी के सहयोग के रूप में नजर आ रही हैं। बीजेपी के साथ मिलकर 2022 का चुनाव लड़ने के लिए ओम प्रकाश राजभर ने कई शर्तें रखी हैं, जिन्हें गठबंधन से पहले पूरा करने का ठोस आश्वासन बीजेपी से चाहती हैं। नहीं देखिए, मैं सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को लेकर, एक समान अनिवार्य और फ्री शिक्षा के सवाल पे, घरेलू बिजली बिल माफी के सवाल पे, उत्तर प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी के सवाल पे, जैसा कि माननीय मोहन भागवत जी भी नशा के सवाल पे बार बार आवाज भी करते हैं लेकिन सरकारें नहीं मानती हैं, इन सब मुद्दों को लेकर के मैं भारतीय जनता पार्टी के पास गया था। क्योंकि ये समाज के हित की बात है, मेरी व्यक्तिगत सवाल नहीं है। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू हो जाए, जो रिपोर्ट तैयार है 2 साल 10 महीने से, आप देख रहे हैं कि वो रद्दी की टोकरी में पड़ी है, उसी को लेकर के मैंने मंत्री पद छोड़ दिया कि आप इसको लागू कर दो, ताकि नाई का, गोड़ का, पाल का, लोहार का, पासवान का, दुसाद का, धोबी का बेटा, बिंद का, केवट का, मल्लाह का, खंगार का, यारक का, अर्कबंसी का, बंजारा का, बहेलिया का बेटा, बारी का, बिहार का, रजवार का बेटा, वो भी पुलिस में दरोगा बने, सिपाही बने, बाबू बने, लेखपाल बने, उसको भी अधिकार मिले जो 27% रिजर्वेशन है। लेकिन उसका लाभ हमने बड़ी कोशिश किया, जब हमारी बात को नहीं माना तो हमने छोड़ दिया। इस बात को यदि जो भी पार्टी मानने को तैयार हो, हम उसके साथ जाने को तैयार हैं। बीजेपी अगर इसकी घोषणा करे तो हम उसके। गौरव पांडे इस वक्त फोनलाइन पर संवाददाता मेरे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, जानकारी दीजिए कि आखिर क्या दोबारा से सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी वापस बीजेपी के साथ आ रही है, क्योंकि संकेत ऐसे हैं। साफ तौर पे राजभर एक जमीनी नेता रहे हैं और हमेशा से ही अपने लोगों को आगे बढ़ाने की मांग को लेकर बीजेपी से शुरू से ही उनका मनमुटाव चल रहा था। लेकिन अब ऐसे में जब आखिरी समय बचा है, चुनाव बेहद नजदीक हैं, उन्होंने उसुद्दीन ओवैसी के साथ गठबंधन किया और गठबंधन के साथ
इस उम्मीद में थे कि वो आगे आने वाले समय में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, लेकिन बीच में ही मझधार में फिर से असदुद्दीन ओवैसी को छोड़ दिया है और इस बार बीजेपी के साथ गठबंधन फिर से करने के मूड में दिखाई दे रहे हैं ओम प्रकाश राजभर। और बीजेपी के सामने एक लंबी डिमांड की लिस्ट भी रखी है और यह भी कहा है कि वो जो मोर्चा तय करेगा बीजेपी उसको मानेगी, यानी कि जो लोहार हैं, बनिया हैं, जो नाऊ हैं, जो इस समाज के लोग हैं, उनको एक मंत्री पद प्रदेश सरकार में दिया जाना तय करे बीजेपी, तभी जाकर के आगे गठबंधन पर बात हो सकती है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि अगर बात नहीं बनेगी या 18 तारीख तक का उन्होंने समय भी दिया है, माफ कीजिएगा 27 तारीख तक का उन्होंने समय भी दिया है कि अगर 27 से पहले बात नहीं मानी गई राजभर के मोर्चे की तब वो गठबंधन तोड़ने पर विवश होंगे। और मऊ में सबसे बड़ी रैली का ऐलान भी किया है आज की प्रेस वार्ता में, पत्रकारों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है कि 27 तारीख तक अगर बात नहीं मानी गई तो वह मऊ में बहुत बड़ी रैली करेंगे जिसमें असदुद्दीन ओवैसी के गठबंधन को भी शामिल किया जाएगा। तो बीजेपी के सामने एक बड़ी डिमांड लिस्ट है, देखना बिल्कुल चलिए देखना होगा क्या आखिर क्या रुख रहता है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए गौरव आपका बहुत धन्यवाद। तो अब देखते हैं कि बीजेपी के साथ राजभर गठबंधन इस बार करते हैं या फिर नहीं। चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का है लेकिन फौरन लौटे। आज पूरे देश में दशहरा की धूम है, अलग अलग तरीके से आज का ये पर्व मनाया जा रहा है, लेकिन एक ऐसा गांव है जहां पर आज रावण दहन नहीं किया जाता है। दरअसल आपको बता दें उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में ग्रेटर नोएडा से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर बिसरख गांव है जहां रावण का दहन नहीं किया जाता है बल्कि रावण की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि यहीं पर लंकेश का जन्म हुआ था इसलिए बिसरख में ना रामलीला का आयोजन होता है ना ही रावण का दहन किया जाता है। रावण के इस गांव के बारे में जानने के बाद हमारे संवाददाता हैदर अली यहां पहुंचे और इस गांव के बारे में विस्तार से जानने के लिए उन्होंने इस गांव के पुजारी से बातचीत की। क्या कहना है उनका सुनिए। पूरा देश आज दशहरे का पर्व मना रहा है लेकिन गौतम बुद्ध नगर में एक गांव ऐसा भी है जहां दशहरा नहीं मनाया जाता है, रावण दहन नहीं किया जाता है और भगवान राम के साथ साथ रावण की भी पूजा की जाती है। हम उसी गांव के प्राचीन शिव मंदिर में मौजूद हैं जिसको रावण मंदिर भी कहा जाता है और ऐसा माना जाता है कि यहां रावण का जन्म हुआ था, रावण यहाँ के वंशज हैं, इसलिए यहाँ रामलीला का आयोजन भी नहीं किया जाता है बल्कि उनकी पूजा की जाती है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ प्राचीन मंदिर के पुजारी जी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, समझेंगे इतिहास क्या है, क्यों इस गांव में दशहरा नहीं मनाया जाता है। पंडित जी क्या इतिहास है इस गाँव का जो यहाँ दशहरा नहीं मनाया जाता है? ये जो है रावण की जन्मभूमि है और रावण को यहाँ का बालक करके मानते हैं, इसलिए जो है दशहरा और उनका पुतला नहीं जलाया जाता। दशहरा खूब मनाते हैं, खुरपी दराती की पूजा खूब करते हैं, खीर पूड़ी पकवान खूब बनाते हैं, खाते हैं, पर रावण का कोई यहाँ पुतला नहीं जलाता। तो रावण का यहाँ पुतला नहीं जलाते तो क्या रावण की पूजा भी की जाती है यहाँ? बिल्कुल, रावण की पूजा भी करते हैं, खूब पूजा करते हैं रावण की, भगवान राम की भी पूजा करते हैं, दोनों की पूजा होती है यहाँ। क्या इतिहास यहाँ का कहा जाता है कि यहाँ रावण का जन्म हुआ और भी कई लोगों का जन्म हुआ, तो अब उसके बारे में कुछ बताना चाहें आप? ब्रह्मा जी के मानस पुत्र पुलस्त मुनि और पुलस्त मुनि के विशेश्वरवा और विशेश्वरवा के रावण, कुंभकर्ण, विभीषण, कुबेर, ये सब हुए हैं इसी जगह पर और यहीं ये पढ़े हैं, यहीं बड़े हुए हैं, यहीं शादी ब्याह हुआ, यहाँ के बाद में फिर लंका चले गए। क्या ऐसा कहा जाता है कि इस गांव में दशहरे के दिन लोग काफ़ी उदास नज़र आते हैं और वो दुख मनाते हैं एक तरह से? बिल्कुल बिल्कुल, सबके चेहरा पर उदासी होगी और शोक सा सबके चेहरे पर रहता है। तो इसकी वजह यही है कि वो लोग रावण को अपना बेटा मानते हैं? हाँ, बेटा मानते हैं और फिर यहाँ की उनकी जन्मभूमि है इसलिए जो है नहीं फूंकते हैं, कोई पुतला नहीं जलाते। ऐसी भी खबरें कई जगहों पर छपी हैं कि यहाँ एक दो बार रामलीला का आयोजन किया गया तब कुछ लोगों की मौत हुई, जिसके बाद कभी रामलीला का आयोजन नहीं हुआ। 30 से 35 साल हो चुके हैं मुझे, आज तक हमने ना तो कहीं पुतला जलता हुआ देखा है और ना आज तक हमने कहीं रामलीला होती हुई देखी है इस गाँव में। अब उससे कभी पहले कभी हुई होगी तो कोई गिर गया होगा या कुछ हो गया होगा, वो नहीं कह सकते हैं, पर अपने 30-35 साल से हमने अभी तक नहीं देखी। क्या कभी यहाँ किसी ने पहल भी नहीं की कि रामलीला का आयोजन किया जाए? नहीं, अभी तक किसी ने नहीं और आसपास जो क्षेत्र इसका लगता है उसमें भी नहीं हुई है।
अगर इस मंदिर के बारे में बात करें, मंदिर का क्या कुछ इतिहास है? मंदिर तो इसमें वो रहते थे और इसी में शिवलिंग को जो है पूजा करते थे, इसी पे जो शिवलिंग पे सर काट काट के वो चढ़ाते थे, भगवान उनको दोबारा वरदान में देते थे। और नहीं, रावण तो एक ही सिर का पैदा हुआ था, 10 बार उन्हें सिर काट काट के चढ़ाए शिवलिंग पे, तो इस बार 10 बार जो है ना उनको वापिस मिले, इस बार जो है 10 आनंद हो गए। वो जो 10 सर काट के चढ़ाए थे वो यहीं शिवलिंग में चढ़ाए गए? इसी शिवलिंग पे। ये शिवलिंग जो है ना अष्टकोण है, वैसे ये 10 कोण ये बोली जाती है, आकाश लोक, पाताल लोक और 8 कोण बने हुए अष्टकोण शिवलिंग। शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ का इतिहास है कि रावण ने यहाँ जो सर काटे थे वो यहीं चढ़ाए थे शिवलिंग पे, और ये जो गांव है ये रावण का ही गांव माना जाता है, यहाँ का बेटा माना जाता है, इसलिए इस गांव में दशहरे के दिन उदासी रहती है और रावण दहन नहीं होता है, ना ही रामलीला का आयोजन किया जाता है। हैदर अली, जगह 24/7 न्यूज़, नोएडा। चलिए इस बीच आगे बढ़ते हैं और बात पंजाब की कर लेते हैं। एक अहम जानकारी इस वक्त पंजाब से सामने आ रही है। दरअसल आपको जानकारी दे दें कि पंजाब में भटिंडा के दौरे पर पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी हैं और भटिंडा में बलवंत गार्गी मल्टीपर्पज ऑडिटोरियम की आधारशिला रखी है। करीब 2 एकड़ एरिया में 27 करोड़ 15 लाख से बनाया जाएगा। सीएम ने 30 करोड़ के विकास परियोजनाओं की भी शुरुआत की है। तो भटिंडा के दौरे पर मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, भटिंडा के रोज गार्डन में मुख्यमंत्री ने आम जनता की समस्याएं भी सुनी है। वहीं भटिंडा में बलवंत गार्गी मल्टीपर्पज ऑडिटोरियम की आधारशिला रखी है। 2 एकड़, 3 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जिसमें पहली तस्वीर वो है जहां पर ऑडिटोरियम की आधारशिला रखते हुए मुख्यमंत्री चन्नी नजर आ रहे हैं। दूसरी तस्वीर वो है 30 करोड़ के विकास प्रोजेक्ट की शुरुआत यहां से मुख्यमंत्री चन्नी की तरफ से की गई है। और रोज गार्डन में सीएम का जनता दरबार लगा, जहां आम जनता पहुंची और सीएम को जो उनकी समस्याएं हैं उससे अवगत कराया है। तो मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी लगातार एक्शन में नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री की तरफ से आए दिन कोई ना कोई नई योजनाओं की शुरुआत की जा रही है और जनता से वो सीधे रूबरू हो रहे हैं, क्योंकि जब उन्होंने कमान संभाली तभी खुद को एक आम आदमी करार दिया था। और चलिए अब बात ग्लोबल हंगर इंडेक्स की कर लेते हैं, क्योंकि भारत के लिए एक चिंताजनक खबर सामने आई है। आपको बता दें कि गुरुवार को जारी रिपोर्ट में चौंकाने वाली बात सामने आई है। विश्व गुरु बनने के सपने देख रहा भारत ग्लोबल हंगर इंडेक्स की 116वीं देशों के लिस्ट में 101 नंबर पर है। हैरानी की बात यह है कि इस लिस्ट में नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे देश भी हमारे से कहीं अधिक स्थिति में है। इस लिस्ट में बांग्लादेश 76वें स्थान पर है, म्यांमार 71वें स्थान पर है, पाकिस्तान 92वें स्थान पर है। रिपोर्ट में इन देशों में भी भूख की स्थिति को चिंताजनक करार दिया गया है, लेकिन कहा गया है कि ये देश भारत के मुकाबले अपने नागरिकों की भूख मिटाने में कहीं अधिक बेहतर स्थिति में है। आपको बता दें कि इससे पहले साल 2020 में भारत 94वें स्थान पर था, लेकिन आज भारत ने जो रिकॉर्ड पार किया है, अब आपको ग्राफिक से आंकड़े दिखाते हैं। दरअसल भारत ने 101 स्थान प्राप्त किया है इसमें, और पाकिस्तान इस वक्त 92 पर है, नेपाल में 76 है, बांग्लादेश 76 और म्यांमार 71। तो ये है भारत में भुखमरी का रेट, जहां पर पाकिस्तान से भी आगे इस वक्त भारत गया है। और कोरोना काल में जो स्थितियां हमने देखी थी उससे भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि भुखमरी का ये इंडेक्स किस तरीके से बढ़ा हुआ है। और यहां पर अधिक से अधिक व्यक्ति आए दिन भुखमरी का सामना कर रही है और बेरोजगारी भी भारत में चरम पर है, इस वजह से भी भुखमरी सबसे अधिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निहाल विहार इलाके में एक युवक का मोबाइल चोरी के शक में पीट पीट कर उसे मार डाला गया है। दरअसल आपको बता दें मृतक की पहचान गगनदीप के तौर पर हुई है। उससे पहले आरोपियों ने चोरी के शक में पकड़ा, फिर रस्सी से हाथ पैर बांधे, उसके बाद हत्या के बाद रिक्शे में शव को ले जाकर सड़क पर फेंक दिया, जिससे कि हत्या को सड़क हादसे की शक्ल दी जा सके। पुलिस ने 8 घंटे के भीतर सभी 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। और इस पूरे मामले में आरोपियों के घर वालों का कहना है कि पुलिस ने सभी को बेबुनियाद आरोप में फंसाया है। तो पुलिस ने 8 घंटे के अंदर ही ये पूरे मसले को सुलझाया और सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है।
आगे बढ़ते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने एक और उपलब्धि अपने नाम कर ली है। आपको बता दें कि बिजनेस मैगजीन फोर्ब्स ने दुनिया के बेस्ट एम्प्लॉयर की लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को भारत में पहला स्थान दिया गया है। इसके साथ ही दुनिया में रिलायंस के 52वें नंबर पर जगह बनाई है। इस लिस्ट में दुनिया की 750 बड़ी कंपनियां भी शामिल की गई है। भारत की कुल 19 कंपनियों ने इस लिस्ट में जगह बनाई है। वहीं ओवरऑल रैंकिंग की बात करें तो साउथ कोरिया की कंपनी सैमसंग ने वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर होने का खिताब अपने नाम किया है। तो फोर्ब्स ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है जिसमें भारत की 19 कंपनियों के नाम शामिल हैं। चलिए फिलहाल खबर क्या है कि इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।